क्या आपकी भी स्किन जैसे ही मौसम बदलता है बहुत ड्राई हो जाती है? क्या आपकी स्किन में भी आपको फील होता है कि कुछ डेड डेड स्किन हो गई है पूरी? कुछ ऐसा हो जिससे कि पूरी डेड स्किन निकल जाए और अंदर की बहुत सॉफ्ट बड़ी क्लियर स्किन बाहर आ जाए? क्या आपके साथ भी जैसे ही मौसम चेंज होता है फटी फटी सी स्किन नज़र आती है यहाँ पर किसी किसी के यहाँ पर और गाल पर, हर जगह फटी फटी सी स्किन नज़र आती है? आपके साथ भी अगर ऐसा है, आज का ये वीडियो आपके लिए ही है। मैं आज आपको एक ऐसा बेहतरीन सा स्क्रब बताने वाली हूँ जिसके इस्तेमाल से आपके चेहरे की सारी ड्राइनेस, खुश्की और वो एक डेड स्किन की जो लेयर चढ़ी है जिसकी वजह से आपका कॉम्प्लेक्शन थोड़ा सा डार्क दिख रहा है, तो उसे किस तरीके से हटाएं, उस मरी हुई त्वचा को कैसे अपनी स्किन से निकालें, ड्राइनेस कैसे दूर करें, खुश्की को कैसे दूर करें, क्योंकि आप सब जानते हैं खुश्की अगर है चेहरे पर तो इसका सीधा सा मतलब है कि चेहरा वहाँ से आपका ब्लैकिश पड़ने लग जाएगा। याद रखिएगा, ये एक नोटेड पॉइंट है। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई रहती है, खुश्की रहती है और आप उसमें नेल से इस तरह से उसे हटाने की कोशिश करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, उस पूरे पोर्शन में एक ब्लैक कलर का पैच पड़ गया होगा। तो प्लीज़ इस तरह से जब भी आपकी स्किन ड्राई हो तो उसे नाखून से ना हटाएं, उसे एक बेहतरीन चीज़ खिलाएं। क्या खिलाना है, किस तरह से करना है, आज का ये पूरा वीडियो इसी पे रिलेटेड है कि मैं चाह रही हूँ कि दिवाली आ रही है और फेस्टिव सीज़न है और ये सीरीज शुरू करते हैं कि हम दिवाली तक अपना चेहरे या इतना ग्लो और इतना ज़्यादा कहते हैं ना कि दिवाली का एक नूर आ जाए, फेस्टिव सीज़न का एक नूर आ जाए, वो करते हैं। तो आज इस एपिसोड में मैं आपको बता रही हूँ कि पहले, सबसे पहले हम अपनी त्वचा की बाहरी गंदगी को, उस मरी हुई त्वचा को निकालेंगे। किसकी मदद से, कैसे, चलिए पूरा वीडियो। नमस्कार दोस्तों, नीलम कृष्णा चैनल में दिल से स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ सब स्वस्थ हैं, अपना ध्यान रख रहे हैं और मेरे साथ हमेशा पॉजिटिविटी के साथ रहते हैं। और अगर चैनल पे नए हैं तो मैं हूँ नीलम कृष्णा और ये चैनल टोटली डेडिकेट है टोटल हेल्थ को लेकर। अगर कोई भी हेल्थ इशू है, चाहे वो आपका इनफर्टिलिटी इशू है, चाहे आपकी स्किन से रिलेटेड कोई इश्यूज़ हैं या फिर आपके बालों से रिलेटेड कोई इश्यूज़ है, मुझसे आप कमेंट करके पूछिए, डेफिनेटली मैं उसका सॉल्यूशन दूंगी वीडियो के माध्यम से। आज मैं आपको जो स्क्रब बता रही हूँ वो बड़ा ही यूनिक है और इतना सिंपल है ना कि आप उसे मतलब आप ये कहेंगे कि इतना ईजी है ये सच में, और रिज़ल्ट देख कर आप मेरे चेहरे को देख कर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रिज़ल्ट इसने कैसे दिए हैं। मैंने किसी तरह का कोई भी सिर्फ एक लिप बाम यूज़ किया है, किसी तरह का कोई भी मेकअप नहीं अप्लाई किया है किसी तरह का, लेकिन त्वचा मेरी एकदम एक हाइलाइटर की तरह हाईलाइट कर रही है। कैसे? क्योंकि मैंने अपनी मरी हुई त्वचा को उस एप्लीकेशन को करके हटा दिया है, उसके बाद ये त्वचा इतनी ज़्यादा ब्राइट नज़र आ रही है। क्या है वो चीज़, इंतज़ार ख़त्म करती हूँ। देखिए ये क्या है, ये इसको वैसे तो हम नाशपाती कहते हैं कुछ लोग, क्योंकि ये नाशपाती जो एक्चुअल में जो हमारी कंट्री में मिलती है वो थोड़ी सी बड़ी होती है, इसे नॉर्मल आम भाषा में रसभरी के नाम से भी जानते हैं। उत्तराखंड में ये बहुत पाई जाती है, इतनी ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स हैं ना इसके अंदर। सारे न्यूट्रिशन, अगर न्यूट्रिशन चार्ट की बात करें तो हर एक न्यूट्रिशन इसमें भरा हुआ है, चाहे वो फॉस्फोरस हो, जिंक हो, मैग्नीशियम हो, विटामिन सी का सबसे बड़ा स्रोत है। इतना खूबसूरत विटामिन सी का सोर्स है कि अगर आपको कभी भी, और इसके अंदर एक चीज़ बहुत अच्छी है कि ये पानी से भरी हुई है, अगर आपको कभी डिहाइड्रेशन जैसे इश्यूज आए या कभी प्यास लगे और कहीं पे भी पानी अवेलेबल ना हो, आप ये खा लीजिए। अगर ये आपके पास है तो आप देखेंगे कि इसको खाने मात्र से आपकी प्यास बुझी है, आपको प्यास जो लग रही थी उससे राहत मिली है। इतना प्यारा ये फ्रूट है, इसको मैं ज़रा आपको इसकी, मैं इसे एज अ स्क्रब क्यों यूज़ कर रही हूँ, देखिएगा मैं इसको कट करके दिखाती हूँ। इसको कट करने के बाद देखिए इसमें पानी निकल रहा है, बहुत पानी सा निकल रहा है।
इसको कट करने के बाद इसमें एक नेचुरल ग्रैनुअल्स हैं, मतलब स्क्रब की तरह छोटे छोटे दाने हैं। अगर किसी की गट की या इनडाइजेशन का इशू रहता है ना, वो इसे खाएगा तो इनडाइजेशन के इशू की वजह से जो पाइल्स की प्रॉब्लम होती है इसे खाने से ठीक हो जाएगी। इसको छूने से आप फील कर पाएंगे कि नेचर ने इसके अंदर एक नेचुरल, जो मार्केट में स्क्रब मिलते हैं उसमें ग्रैनुअल्स होते हैं, उसमें बहुत ही सर्कल शेप में एक दाने दानेदार होते हैं, इसमें नेचुरली हैं। मैंने इसको किस तरह से यूज़ किया है, ये तो नॉर्मल खाने के लिए है, आप इसे खाइए, इतनी टेस्टी है कि कई बार कुछ चीज़ों का ऐसा टेस्ट होता है जो शब्दों में हम नहीं बता सकते कि ये कितना टेस्टी है। इसको खाने से ऐसा लग रहा है मैंने बहुत सारा पानी इंटेक किया, बहुत ज़्यादा एक न्यूट्रिशन से भरी हुई चीज़ मैंने खा ली। इसको मैंने एज ए स्क्रब कैसे किया है, अपनी डेड स्किन को कैसे निकाला है वो देखिए। जब भी कोई फ्रूट बहुत ओवर राइप हो जाता है, पक जाता है, तो उसके न्यूट्रिशन वैल्यूज़ जो हैं और दुगनी हो जाती हैं। भले ही वो खाने में उतना अच्छा ना लगे, लेकिन आप बिलीव नहीं कर पाएंगे वो हमारी स्किन के लिए कितना बेहतरीन रोल प्ले कर सकता है, वो आप अभी आगे के वीडियोस में देखेंगे। चलिए, इस स्क्रब को करने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए ये नाशपाती। ये छोटी वैरायटी की नाशपाती है, बेहद न्यूट्रिशन से भरी है और कई एविडेंस और कई रिसर्च कहती हैं ये सुपर फूड है। मैं आपको स्क्रब करने के लिए ये जो नाशपाती ले रही हूँ, ये ओवर राइप नाशपाती ले रही हूँ। आप देख सकते हैं इसका आधा हिस्सा पूरी तरह से पक चुका है और बड़ी ईजिली ये निकल जाता है। ये इतने ददरी इसके, मतलब ये स्क्रब इतना नेचुरल और इतना प्रोफेशनल तरीके से दिखता है, मतलब जब आप इसे फील करेंगे हाथ पे लेकर तो आपको लगेगा कि कोई आप मार्केट से ये स्क्रब कर रहे हैं। इसके सभी बीज जो हमारे पैक में आ गए हैं हमारे, इसमें इसको मैं सेपरेट कर लूँगी पूरी तरीके से। बीजों को आप निकाल लीजिए बहुत ही अच्छे से, अगर आप चम्मच से नहीं निकाल पा रहे हैं तो हाथ से निश्चिंत होकर निकालिए। इस तरह से पूरे बीज निकाल दिए मैंने और आप विश्वास कीजिए ये इतना बेहतरीन स्क्रब है कि आज तक आपने चाहे किसी भी ब्रांड में, ब्रांड का नाम नहीं लेना चाहूँगी, बड़ी सी बड़ी ब्रांड के क्यों ना आपने स्क्रब यूज़ किए हों, मेरे कहने पर एक बार प्लीज़ आप इसका स्क्रब ज़रूर करिए। इस तरह से इसको मैश, ये ऑटोमेटिकली मैश हो गई है। सपोज़ ये आप ओवर राइप ना हो तो आप इसे मैशर से मैश कर लीजिएगा। इसमें मैं आधा चम्मच लगभग चावल का आटा डाल रही हूँ। अगर चावल का आटा नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बिना चावल के आटे से भी, जस्ट बिकॉज़ मैंने इसलिए लिया है कि एक ये गाढ़ा पेस्ट बन जाए, जब मैं स्क्रब करूं तो ये मुझे प्रॉब्लम ना क्रिएट करे, इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी गाढ़ी हो जाए, बस इसलिए मैंने इसे चावल के आटे को मिलाया है। आप इसे बिना चावल के आटे मिलाकर भी कर सकते हैं। ये देखिए मैंने अपने बालों को पूरी तरह से समेट लिया है और चम्मच की मदद से मैं पूरे फेस पर इसे अप्लाई करूँगी। पहले लिप्स पर कोई स्किन का एक भी पार्ट चेहरे का नहीं छोड़ूंगी और मोटा मोटा मैं इसे बड़ी थिक लेयर इसकी अप्लाई करूंगी। अब फिंगर्स की मदद से, ध्यान रखिएगा ये छोटे छोटे दाने हैं, इनको अगर आप प्रेशर लगा के स्क्रब करेंगे ना तो हो सकता है कोई निगेटिव इफ़ेक्ट ना पड़े, तो ध्यान रखिएगा बहुत जेंटली बड़ी सावधानी से धीरे धीरे आप स्क्रब करेंगे, जिससे कि पॉजिटिव और बेहद बेहतरीन रिज़ल्ट आपको दिखें। मैं बहुत ही आराम से कर रही हूँ, बहुत कम प्रेशर लेकर कर रही हूँ और लिप्स पर बहुत ज़्यादा डेड स्किन है मेरी, उसे निकालने की कोशिश कर रही हूँ। ये गिरेगा ज़रूर, मैं आपसे हमेशा कहती हूँ कोई भी नेचुरल चीज़ें अगर आप कर रहे हैं वो गिरेंगी ज़रूर, इसलिए आप शावर लेने से पहले से अप्लाई करें, नहाने से पहले करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ये देखिए मैंने पूरी स्किन पर अच्छे से, इतना अच्छा फील होगा, मतलब सारी स्किन, जितनी भी ड्राई स्किन हो, भयंकर से भयंकर ड्राई स्किन हो,
कितनी भी डेड स्किन चिपकी हो आपकी चेहरे पर, मेरा विश्वास कीजिए, एक बार मेरे कहने पर आप इसे अप्लाई कीजिए एज अ स्क्रब। आप इसे कीजिए, फिर मुझे रिज़ल्ट बताइएगा। ना मिले आप, मैं मान ही नहीं सकती कि आपको रिज़ल्ट ना मिले। आप एक बार करके देखिए, ये देखिए, स्क्रब करने के बाद मैं धोकर आ गई हूँ सिंपल टैप वाटर से और बस अच्छे से ड्राई कर ले रही हूँ टॉवल से। स्किन इतनी सॉफ्ट, जब कोई गंदगी चेहरे से हट जाती है पूरी तरीके से, एक नई स्किन जो अंदर थी वो निकल के आई, तो जब आप उसे टच करते हैं ना, ये देखिए ब्राइटनेस कितनी लग रही है चेहरे पर। अब आप क्या करेंगे, ऐसा जब भी हम स्क्रब करते हैं तो टोनर ज़रूर अप्लाई करते हैं। अब मैंने गुलाब जल एज अ टोनर यूज़ किया है, जो भी आपके पास टोनर अवेलेबल हो आप उसे ले लीजिए। ये देखिए टैप टैप करके, ऐसे डैब डैब करके मैंने इसको एज अ टोनर अप्लाई कर लिया है गुलाब जल को। बस बहुत बेहतरीन रिजल्ट हैं, मैं शब्दों में नहीं बता सकती। एक बार आप करके देखिएगा आपको कैसा लगा, मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मुझे तो बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिले, मैं बहुत खुश हूँ इस स्क्रब से। और इस स्क्रब के बाद मैं किसी और स्क्रब को, मार्केट के स्क्रब को तो भूल ही जाएंगे, आप भी भूल जाएंगे, मैं तो भूल चुकी हूँ। और मैं नोटिस कर रही हूँ कि मेरे गाल पे जो पिगमेंटेड एरिया है वो लाइट हुआ है इसके स्क्रब करने से। मेरे पूरे इस वीडियो को मुझे उम्मीद है आप सब लोगों ने ध्यान से देखा है, समझा है, और इस स्क्रब को आप आज इस फेस्टिव सीजन की सीरीज में पहला एपिसोड में अपनी सबसे पहले त्वचा, जो मरी हुई त्वचा है, जो खुश्की से भरी त्वचा है, ड्राई स्किन है, उसको आप निकालेंगे, ज़रूर करेंगे। सपोज़ आपके पास ये ना हो तो अगर चावल का आटा भी है तो उससे भी एप्लीकेशन कर सकते हैं, क्योंकि फाइनली आपको करना स्क्रब ही है। तो आज हमने इस एपिसोड में स्क्रब से शुरुआत की है, कल हम एक नए एपिसोड के साथ मिलेंगे और फेस्टिव सीज़न में किस तरह से स्किन को दमकाएँ, चमकाएँ और एकदम यूनिक अपनी स्किन को सबसे बेस्ट उसका टोन निकाल के बाहर लेके आए, यही मेरा मकसद है इस सीरीज़ में। हम यही देखेंगे, हम यही सीखेंगे और कोशिश ये रहेगी कि पूरी सीरीज़ के दौरान सब अपनी स्किन को बेहतर कर पाएँ। और जिसने भी सीरीज़ के दौरान पूरी मेरी सीरीज़ को अगर लेके चले हैं और किसी की भी स्किन में एक दो टोन अगर उसका इम्प्रूव हुआ है तो प्लीज़ मुझे शेयर करके ज़रूर बताइएगा, मुझे एक उत्साह मिलेगा, मुझे एक 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 होता ना कि एक प्रेरणा मिलेगी कि हाँ, मुझे एक एक नई ऊर्जा मिलेगी जिससे कि मैं बहुत अच्छी चीज़ें आपके पास शेयर कर पाऊँ। चलिए नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलती हूँ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।